अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैंसी टॉप की सिलाई। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है और स्लीव कैसे बनाई है वो वीडियो भी मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैक में जो ऊपर का पार्ट कटिंग किया था उस पर हम नीचे का हिस्सा जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, कपड़े को नीचे का कपड़ा जो है वो हमारा अम्ब्रेला में कटिंग है और ऊपर का जो हिस्सा है वो सीधा कटिंग है, तो इसमें हमें ज़रा एहतियात से सिलाई लगानी है। कपड़े को सरखा रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर फोल्ड करके देखिए, हमें आर्म होल का नाप ले लेना है कि दोनों बिल्कुल सही आए हैं कि नहीं। अब यहाँ पर फ्रंट का हिस्सा रखकर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, दोनों के कंधे मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, कंधे पर सिलाई लगा ली है। अब इसे हम फोल्ड करके रखेंगे। बैक साइड में सेंटर की साइड हम छोटा सा कट लगाएंगे, 3.5 इंच का डीप है ये कट। अब यहाँ पर हम कॉलर का नाप लेंगे। ये देखिए, 8.5 इंच कॉलर का नाप लिया है मैंने, डबल में 8.5 इंच है, तो हमें 17 इंच का कॉलर बनाना है। यहाँ पर हमने जो बैक साइड में कट लगाया है उसकी पट्टी कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके सीधा कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम बीच में भी कट लगा लेंगे। जितना डीप हमने बैक साइड में कट लगाया था उतना ही इसमें कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर अब हम पट्टी को रखकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सेंटर में हम डीप कट लगाएंगे, ऊपर से हम इस पर चपटी सिलाई लगा लेंगे। पट्टी की किनारी पर हमें सिलाई लगानी है कपड़े के साथ। ये देखिए, इस तरह से इसे अब हम पलटेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई और लगा देंगे किनारी पर। ये देखिए, ये बैक साइड का हमारा कवर हो गया है। अब हम कॉलर बनाएंगे। देखिए, 8.5 इंच में 1 पॉइंट कम था हमारा नाप, तो हम उतना ही नाप लेकर कॉलर बनाएंगे। यहाँ पर हमें शर्ट का कॉलर बनाना है, तो बीच में से हम 1 इंच नीचे रखेंगे और किनारियों पर से हम कॉलर को 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। मतलब किनारी पर से हमने 3 इंच रखा है और बीच में 2 इंच रखा है मिडल में, और इसे हम शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर से हमें इसे क्रॉस शेप देना है, इसलिए पहले से हमें पट्टी को 1.5 इंच ज़्यादा लेना है नाप से ऊपर के शेप देने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये कॉलर बनाया है और इसे बीच में से कट कर लिया है और दोनों हिस्सों को मैंने अलग अलग कपड़े पर पेस्ट किया है। अब इसकी हम किनारियों पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कैनवास की किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए
बस तीन तरफ सिलाई लगानी है, नीचे का हिस्सा छोड़ देना है। अब दूसरा कॉलर भी हम इसी तरह से बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और यहाँ राउंड में हम थोड़े से कट लगा देंगे। अब इसे हम पलटेंगे। इसमें फ्रंट ओपन नहीं है, बैक साइड से खुला हुआ है, इसीलिए हमें कॉलर के दो हिस्से करने पड़े। ये देखिए हमारा कॉलर इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे जहाँ पर कैनवस नहीं चिपकाया है उस कपड़े को रखकर हम उल्टी साइड से रखकर सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पर हमारा गला वी कट हुआ है वहाँ तक हम इसे सिलाई लगाते हुए छोड़ देंगे। ये देखिए एक साइड का हमारा कॉलर लगा है। अब दूसरी साइड का भी हम रख कर इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसकी सिलाई अच्छे से समझ में आ जाए और ये टॉप किस तरह से बनाया है वो भी आपको पूरी डिटेल में समझ आ जाए। यहाँ पर बीच में गले पर जो हमारा कॉलर का सेंटर है वहाँ पर हमें कट लगाना है और फिर कॉलर के कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए जहाँ पर कैनवस चिपका हुआ है उस हिस्से को लेकर हमें पलट कर इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए हमें किनारियों पर भी सिलाई लगा देनी है कॉलर की तीनों तरफ। देखिए अब दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें किनारियों पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर सिलाई ख़त्म करके हमें छोड़ना नहीं है, सुई को घुमाकर हमें कॉलर की तीनों साइड किनारियों पर सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे धागे कटे हुए ना दिखे और फिनिशिंग अच्छी आएगी इससे। ये देखिए इस तरह से किनारियों पर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर देखिए हमारा ये कॉलर बनकर तैयार हो गया है। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव का वीडियो भी मैंने शेयर किया है, स्लीव कैसे बनाई है वो भी अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम सेंटर से स्लीव लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव को हम डबल सिलाई लगाते हुए लगाएंगे। आधा इंच का हमने कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाई है।
ये देखिए हमारी स्लीव लग गई है। अब हम स्लीव को फोल्ड करके किनारियों से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हम साइड सिलाई लगाएंगे टॉप की। ये हमारी स्लीव नीचे से बलून स्लीव आएगी और ऊपर से सिंपल है। यहाँ पर देखिए हम साइडों पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए पीछे का पार्ट थोड़ा लेंथ में ज़्यादा है तो हम इसे ऐसे कटिंग कर लेंगे। बीच में से हम लंबाई ज़्यादा ही रखेंगे, बीच में से नहीं कटिंग करना है, सिर्फ साइडों पर से हमें शेप दे देना है कटिंग करते हुए। यहाँ पर हम कॉलर में बैक साइड लगाने के लिए दोरी तैयार करेंगे। आप चाहे तो हुक भी लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर दोरी लगाऊंगी। ये देखिए पाइपिंग मैंने बना ली है। अब यहाँ पर हम जहाँ से कॉलर लगाया था उसी साइड पर रखकर पाइपिंग को सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने लगा ली है पाइपिंग। अब हम टॉप की नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे। पहले मैंने सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाई है क्योंकि ये अम्ब्रेला है तो हम पहले से ही डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, इसलिए पहले हमें सिंगल फोल्ड करना है उसके बाद हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। नहीं तो आप इसको स्टिच पीको भी करा सकते हैं। मैंने इसकी पट्टी ही बनाई है। ये देखिए हमने पहले एक सिंगल सिलाई लगा ली थी तो डबल सिलाई लगाते हुए कितनी आसानी हो रही है। ये देखिए हमारे टॉप का फाइनल लुक इस तरह का आया है। ये हमारा कॉलर बन के तैयार हुआ है। बैक साइड में इसके डोरी लगाई है और ये स्लीव है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियोस वॉच करने के लिए आप सबका बहुत सारा थैंक्स। आपको ये टॉप की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।